चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव जनता लड़ेंगे। जनता मन मना लिया जे 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे, अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों 2017 में जो चुनाव हुआ था, भाजपा जनता को झूठ बोल के धोखा दे के जुमलाबाजी करके भाजपा सरकार बनाया और ये जनता का अनुभव हो गया। इसलिए 2022 चुनाव जनता का चुनाव, समाजवादी कार्यकर्ता जनता का साथ मिल के भारी बहुमत से सपा का सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। के 2014 में भाजपा जब सत्ता में आया, 2014 में जो दिल्ली से भाजपा सत्ता आया, उत्तर प्रदेश का वजह से सत्ता में आया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीट है, 80 सीटों में 7 सीट केवल गैर भाजपा को मिला था, 2 सीट कांग्रेस का खाता में, एक सोनिया गांधी रायबरेली से, अमेठी से राहुल गांधी, और 5 सीट सपा का खाते में थे, और बाकी 73 सीट भाजपा में खाते में गए थे। जैसे भाजपा दिल्ली में सरकार बनाए, अखिलेश जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब 2017 में जो चुनाव हुआ था, जनता का मन में ये था ये 2014 में भाजपा का सरकार बन गया उत्तर प्रदेश में दिल्ली में, और 2017 में जो वादा किया भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में, यहाँ भी भाजपा का सरकार बन जाएंगे तो डबल इंजन का सरकार तेजी से चलेंगे और तेजी से विकास का काम होगा। इसलिए जनता का मन में था भाजपा सरकार बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा विकास का काम होगा। भाजपा का सपना टूट गया, जनता का सपना टूट गया। देखिए यहाँ तो तृणमूल का कोई संगठन नहीं है, ममता जी एक व्यक्ति है, ममता जी चाहे तो ममता जी को हम लोग प्रचार में उनको लेकर आएंगे। हम लोग तो ममता जी के लिए प्रचार किया, हम लोग को चुनाव प्रचार में हम लोग कोई प्रत्याशी नहीं उतराया, एक साथ में मैं ममता जी का साथ मिलकर बहुत सभा किया। क्यों हम लोग जानते हैं 2021 चुनाव में भाजपा का यही उद्देश्य था बंगाल को मुट्ठी में लेना, और 2021 में भाजपा बंगाल को मुट्ठी में ले लेते तो आसानी से 2022 उनका लक्ष्य था, यहाँ सपा का कार्यकर्ता का मन टूट जाते, भाजपा का कार्यकर्ता का एक नया ऊर्जा मिल जाते। इसीलिए बंगाल का जो चुनाव था, केवल बंगाल का चुनाव नहीं था, भविष्य में यूपी का चुनाव को लेकर हम लोग ममता जी को समर्थन किया था और ममता जी को सरकार तैयार हुआ। और 2021 को जो बंगाल में चुनाव था वो था क्वार्टर फाइनल, वो क्वार्टर फाइनल में बुरी तरफ से भाजपा हार गया, समाजवादी पार्टी तृणमूल साथ मिलकर भाजपा को हराया। और 2022 उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, ये चुनाव सेमीफाइनल है, एवं हम लोग का जनता का जो मूड तैयार हुआ, जनता का होश और सपा का कार्यकर्ता का जोश दोनों मिलके हम लोग इस बार सेमीफाइनल में भाजपा को बुरी तरफ से हराएंगे, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तैयार हो रहा है, और 2024 में सपा ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तैयार करेंगे। मुद्दा तो हम लोग का पास है, 2012-2017 जो विकास का काम किया है, और 2022 का चुनाव में हम लोग का घोषणा पत्र में जनता को जो हम लोग वादा करेंगे, जनता का समाजवादी पार्टी का प्रति विश्वास है, समाजवादी पार्टी का कॉर्डिंग अथॉरिटी में कभी कोई फर्क नहीं होता है, समाजवादी पार्टी जो बोलते हैं वही काम करते हैं। 2022 में जनता का बीच में जो घोषणा पत्र हम लोग लेके आएंगे, जनता उनका ऊपर विश्वास दिलाएंगे। इसका बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता है कि तो घोषणा पत्र अभी तक नहीं निकल के आया। 2021 में जो बंगाल में चुनाव हुआ था, ममता जी का संगठन था, बूथ बूथ पर संगठन था, ममता जी बंगाल के लिए काम भी किया था। और 2022 में जो चुनाव होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का जनता भाजपा का खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ का खिलाफ है। चुनाव होता है तीन चीज़ों पर, केवल पार्टी का नाम पे चुनाव होता है, एक नाम और एक काम एक चेहरा, ये तीन समाजवादी पार्टी का पास है। नाम तो अखिलेश यादव का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम कोई जनता का बीच में नहीं है। काम जो हुआ 2012 से 2017 सपा का सरकार का समय, अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री काल में एक काम हुआ, और 2017 से 2022 कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और चेहरा इतनी बेदाग बेहतरीन चेहरा हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री का नहीं है आज, अखिलेश यादव का जो है, ये तीनों चीज सपा का पास है, नाम काम चेहरा, इसलिए जनता सपा का पक्ष में रहेगा। देखिए जनता इस बारे में समझ गया क्यों भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री का भी भाषण सुना 2019 में, वो चुनाव में कोई विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए के नहीं आया, क्या काम हुआ वो भी नहीं बताया, केवल हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और दिवाली रमजान यही बात करके चुनाव लेके गया। जनता ये देख लिया ये भाजपा का पास क्या है, ये जनता का भाईचारा को टूटना चाहते हैं, जनता का भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का परंपरा को ख़त्म करना चाहता है। आज जनता ये समझ गया ये कोई धर्म का नाम पे, कोई जात का नाम पे ये काम नहीं हो सकता, इतने जनता का आज भी गहर में ठेल लेंगे। इसलिए जनता मन मना लिया भाजपा का हटाएंगे।